जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे लेमन यानी नींबू के बारे में, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बहुत सारे लोगों को इसके फायदे के बारे में तो पता होता है पर नुकसान के बारे में पता नहीं होता, इसे हमें किस तरह लेना है वो भी पता नहीं होता। अगर गाइस हम बात करें लेमन वाटर जो लोग लेते हैं वो लेना तो काफी फायदेमंद होता है पर उससे ज्यादा भी जो है वो नुकसानकारक हो सकता है अगर आपको पता नहीं है किस प्रकार लेना है। सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे कि लेमन जो है वो कितना हमें डेली की रिक्वायरमेंट, लेमन कितना लेना चाहिए हमारे डाइट में। तो अगर हम गाइस एक लेमन जो एवरेज साइज का लेमन होता है, नींबू होता है, उसमें 30 NaCl होता है और हमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है 60 mg की, यानी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। यानी दो लेमन अगर आप आपके डाइट में अगर शामिल करते हैं तो एक अच्छा माना जाता है, इससे ज्यादा जो है ट्राई करें कि ना लें। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो देखिए बहुत सारे लोग सवेरे लेमन वाटर लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको यह समझना होगा कि लेमन वाटर जब आप लेते हैं सवेरे तो 10-15 दिन ही लेना चाहिए, उसके बाद 10-15 दिन उसको गैप देनी चाहिए, इसके बाद फिर से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जो लेमन वाटर होता है वो आपके ज्वाइंट में से ऑयल को जो है वो कम करता है और इसके बाद आपको ज्वाइंट पेन जो है वो महसूस हो सकता है, होता ही है। अगर आप कंटिन्यू 6 महीने 3 महीने अगर लेमन वाटर ले रहे हैं तो शायद आप ये जरूर महसूस करेंगे कि आपके जो ज्वाइंट्स है वहां पे आपको पेन महसूस होगा। फिर आप बहुत सारे पेन किलर लेंगे फिर भी असर आपको जो है वो नहीं दिखता और हम बहुत बार ये ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो आप लेमन वाटर अगर ले रहे हैं और ज्वाइंट में अगर बहुत ज्यादा पेन है तो वो लेमन वाटर बंद कीजिए, आप देखोगे कि आपका जो ज्वाइंट पेन है वो भी जो है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले और इतना याद जरूर रखे गाइस कि 10-15 दिन लेमन वाटर लेने के बाद 10-15 दिन आपको गैप जरूर देना है। और डेली की अगर रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं तो 60 mg जो है वो डेली की रिक्वायरमेंट है और उससे ज्यादा जो है वो आपको नींबू जो है वो नहीं यूज करना है। इसी के साथ गाइस में जो विटामिन सी होता है, अगर आप में के बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो गम जो होते हैं हमारे तो वहां पे जो है वो ब्लीडिंग निकलती है और इसी को अगर आपको रोकना है तो इसका मीनिंग होता है कि अगर आपके गम्स से जो अगर ब्लीडिंग निकलती है तो ये दिखाता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। तो नींबू जो है वो 60 ग्राम रोज लेने की कोशिश करें, ये जो है वो दिक्कत कम हो जाएगी। इसी के साथ मूड हीलिंग, यानी अगर आपके मूड बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो वो भी जो है ये हील करने के लिए मदद करता है। ज्वाइंट पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये ज्वाइंट ऑयल जो होता है वहां का डिक्रीज करता है। इसी के साथ गाइस इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होती है। इम्यून सिस्टम यानी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है हमारी, इसीलिए कोरोना के समय में कहा गया था कि नींबू का सेवन ज्यादा कीजिए। वो हो जाने के बाद भी विटामिन सी की जो है वो आपको टैबलेट जो है दी जाती है। इस एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कैंसर प्रिवेंट करने के लिए भी काम में आता है और इसीलिए कैंसर की जो मरीज है उन्हें भी जो है वो विटामिन सी रिकमेंड किया जाता है, दिया जाता है, तो इसमें भी जो है ये फायदा करता है। इसी के साथ गाइस इसमें फ्लावोनॉइड्स होते हैं जो हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसी के साथ गाइस वेट लॉस के लिए तो हम सबको पता है कि इसका यूज किया जाता है, सवेरे लोग लेमन वाटर लेते हैं तो मैंने कहा कि लेमन वाटर जरूर लीजिए पर 10-15 दिन के बाद वो स्टॉप करके फिर 10-15 दिन की गैप देके ही लीजिए। क्योंकि होता क्या है जो हमारे बोन्स होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, अगर आप कंटिन्यू लेमन वाटर लेते तो इसमें साइट्रिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड की वजह से बोन को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। फायदे की अगर हम साइट्रिक एसिड की, इसमें जो साइट्रिक एसिड होता है इसके अगर फायदे की बात करें तो जो किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं, किडनी स्टोन वाले, तो किडनी स्टोन साइट्रिक एसिड में जो है वो घुल जाता है और या फिर ब्रेक हो जाता है और आपके यूरिन से जो है वो निकल जाता है। इसीलिए डॉक्टर भी केसिड की बॉटल देते हैं जो पोटेशियम साइट्रेट उसमें होता है, वो आपको कहते हैं कि सवेरे शाम 10-10 ml इसे लीजिए। तो गाइज उसमें भी जो है वो पोटेशियम साइट्रेट होता है यानी साइट्रिक एसिड, तो ये किडनी स्टोन में आपको बहुत फायदा करेगा। किडनी स्टोन की अगर कोई पेशेंट है तो आप जो है वो नींबू आपको जरूर खाना चाहिए। अगर गाइज स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन को ये व्हाइट करता है। देखिए आपके आप खाने में भी यूज करते हैं तो आपके स्किन में जो है वो फर्क दिखता है और उसी के साथ अगर आप आपको सूट होता है आपके स्किन को तो आप बेसन में मिला के भी इसको चेहरे में लगा सकते हैं, इससे भी जो है वो आपका चेहरा जो है गोरा होगा, इसमें ग्लो आएगा। इसी के साथ गाइज बात एसिडिटी की करेंगे तो एसिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि खाली पेट जो है वो नींबू नहीं लेना चाहिए या जो नींबू पानी होता है, लेमन वाटर होता है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन लोगों को एसिडिटी की जो है वो शिकायत होती है। इसी के साथ गाइस ये ब्लड को भी जो है वो प्यूरीफाई करता है। तो बहुत सारे इसके जो है वो यूजेस तो होते गए पर एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है उससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो हमें फायदे से ज्यादा जो है वो नुकसान ही करती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आपको जो है वो कृपा बरसेगी आपके ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।